वीडियो शुरू करने से पहले अपने कान पर हेडफोन नामक सुरक्षा कवच लगा लें, वरना कहीं से भी उड़ती हुई चप्पल आकर पड़ सकती है। तो यार आज हम लोग बात करेंगे परदेसी गर्ल के बारे में। नहीं यार, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि परदेसी गर्ल है कहाँ, है कहाँ परदेसी गर्ल। बीवी के वॉइस की इतनी सारी वीडियोस आ गई हैं पर भैया उसके रिएक्शन नहीं आ रहे। तो भैया मैं बता दूं कि वो म्यूजिकली क्वीन बन चुकी है और कतई म्यूजिकली में घुस चुकी है और ऐसी पिक्चर हो रखी है वहाँ पे। मैं कर दूं क्या? हो गया, थोड़ा सा ही तो काम है। यार लाख खैर, इतनी अच्छी तो नहीं थी, इसको क्या हो गया? इसे क्या देख रहे हो? यूट्यूब पे तो थोड़ी इज्जत पे थी, पर भैया म्यूजिक के लिए मार कर तो बगलों के पाल बनाए जा रहे हैं बहन जी से। हाँ मैं। यार लाख खैर, इतनी अच्छी तो नहीं थी, इसको क्या हो गया? इसे क्या देख रहे हो? तो भैया आज हम बात करेंगे अपने सबसे जरूरी मेन मुद्दे के बारे में, जिसको देख के भैया किसी भी लौंडे के अंदर हवस आ जाएगी और उसकी लिल्ली खड़ी हो जाएगी। लाखों हसीर होंगे कोई मुझसे यहाँ कहाँ, कितने जवान लड़के मेरे चाहत पे मर गए, ये उम्र ये नजर हुस्न की। ओहो भैया मैं दावा कर रहा हूँ इसे देखते ही अभी बहुत से लोगों ने अपनी लिल्ली पकड़ ली होगी। कोई मुझसे यहाँ कहाँ, कितने जवान लड़के मेरे चाहत पे मर गए, ये उम्र ये नजर हुस्न की। अरे मैडम खुले में गांड मत दिखाओ, नहीं तो कोई पीछे से आके मार के चला जाएगा, फिर दिखाते रहना अपनी। तो यार आज हम लोग बात करेंगे अपने मेन मुद्दे के बारे में, हमारे सबसे फेवरेट म्यूजर रोहित कुमार गुटका भाई के बारे में, जो भैया म्यूजिक लेके कतई क्राउन म्यूजर बन चुके हैं। तो यार अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि रोहित कुमार में ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसके कारण म्यूजिकल ने इसको क्राउन म्यूजिक दे दिया। तो भैया रुको रुको मैं बताता हूँ। तो यार ये है म्यूजिकल के कुछ नामचीन लोग जिनका म्यूजिकली पे दबदबा चलता है। यार तुम अगर इनके चेहरे से मेकअप निकालोगे ना तो इतना मेकअप निकलेगा कि उस मेकअप से पूरा इंडिया गोरा हो सकता है। और वहीं हमारे दूसरी तरफ है हमारे रोहित भाई, जो सिर्फ मुंह में पुड़िया फंसा के बंदियां फंसा लेते हैं। फूलों से कलियों से तारों से तेरी मान भर दूंगा मैं, सांसों की महकी बहारों को तेरे नाम कर दूंगा। पनवाड़ी में कहा कि भैया गुटका खाओ बहुत स्कोप है। नहीं मतलब देख रहे यार किस तरह लड़कियां मर रही हैं हमारे रोहित भाई पे। और तो और भैया ये सब देख के हमारे फेवरेट म्यूजर मंजुल खत्तर का दिमाग खराब हो गया और वो कुछ ऐसी हरकतें चालू कर दिया। अरे भाई कोई मंजू खत्तर को डॉक्टर के पास लेके जाओ, नहीं तो उसके मन मिले फॉलोअर्स का क्या होगा। और तो और यार जब से रोहित भाई वायरल हुए हैं तब से म्यूजिक क्लिप पे एक से एक लोगों ने जन्म लिया है, जैसे कि ये भाई साहब। नहीं यार आज पता लगा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं, अगर किसी को चढ़ जाती है तो या तो वो सो जाता है या फिर वो उतारने का तरीका ढूंढता है, पर भैया हमारे देश में तो अलग ही चल रहा है। यही ये कहना नहीं है कि गुटका भाई से इंस्पायर हुआ है। नहीं यार रुको यार रुको, अभी तो एक और है जो सबसे अलग है। हम से मोहब्बत करते की है ना आपने, उसके लिए जनता माफ नहीं करेगी। और यार ये भाई भी म्यूजिकली और टिकटॉक पे इस कदर वायरल है कि भैया लड़कियां भी इन पे जान दिए जा रही हैं। दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया। नहीं यार ऐसे डरावने थूत वाले लड़कों पे बंदियां मर सकती हैं, तो भैया हमने क्या बिगाड़ा है, हमने क्या कांटे लगे हैं। नहीं यार ये देख के तो मैं लगता है कि मैं सिंगल ही मरूंगा भैया, मैं तो सिंगल ही मरूंगा बहनचोद। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।